All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was the view for today? Our view for today was simple sideways action. आप देख सकते हो आज की market में and exactly market ने हमारे analysis को respect किया आज. Okay, markets एकदम sideways थे. जैसे मैंने आज सुबह भी update दिया था कि straddle players active हो चुके हैं market में. मतलब कोई भी side breakout या breakdown आएगा नहीं. दोनों side moves आ सकते हैं. Buy at support एंड सेल एट रेजिस्टेंस. आज क्या हुआ है, बाय एट सपोर्ट चल गया और सेल एट रेजिस्टेंस भी चला है एट द एंड ऑफ द डे. ओके सो इट वाज अ टिपिकल साइडवेज डे क्योंकि फिननिफ्टी एक्सपायरी था और विक्स भी थोड़ा हाई था. तो फिननिफ्टी में जिन्होंने भी आयरन कॉन्डोर लगाया हमारे जैसे, दे अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टुडे. ओके नाउ कल है एक्सपायरी किसकी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की. ओके तो ये एक मंथली एक्सपायरी भी है. ओके सो मंथली एक्सपायरी हमेशा वॉलेटाइल, हमेशा थोड़ा गलत हो जाता है स्टॉक मार्केट्स में, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स monthly expiries are volatile, so we are expecting the same to continue. Okay, now देखते हैं markets अब कल क्या कर सकते हैं ना हमारे लिए. अगर price action देखते हो आप, so what is happening निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अभी तक 16,850 breach नहीं कर पा रहा है market. Okay, markets क्या कर रहे हैं, markets एक consolidation kind of एक base formation is building, मतलब base formation build हो रहा है market में. Okay, too soon to say again. Okay, अभी तक हम लोग troubled waters के बाहर नहीं है, अभी तक you know bullish हुई नहीं है market कोई भी angle से. बट फिलहाल के लिए अगर एक्सपायरी वाइज अगर मैं देखूँ जो प्रायर प्राइस एक्शन बना है, एक टाइट कंसोलिडेशन था रेंज में, इसी रेंज में, मतलब 17,100 से लेकर 16,900, ये जो कंसोलिडेशन रेंज था मार्केट उसी के अंदर अभी काफ़ी दिन से ट्रेड कर रही है. 24 मार्च से आप पकड़ के चलो कि मार्केट्स वही रेंज में ट्रेड कर रही है. ओके नाउ व्हाट इज़ आवर व्यू फॉर टुमारो. नाउ आवर व्यू फॉर टुमारो इज़ वेरी सिंपल. देखो क्या करना है आपको, अगर मार्केट्स कल गैप अप खुले ओके सो आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट 17,100 टच करेंगे कल. ओके बट कल आप कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड मत करना क्योंकि अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिर वो फेक आउट होके नीचे भी आ सकता है मार्केट. ओके सिमिलरली अगर ये 16,900 के नीचे गया मार्केट तो आई विल प्रेफर बाइंग कॉल्स. आई नो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा कि सपोर्ट टूटने पर अपन कॉल्स बाय कर रहे नहीं, बट कल की एक्सपायरी इज़ गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल. ठीक है तो आपकी पोजीशन साइजिंग शुड बी इन चेक बिकॉज मंथली एक्सपायरी है. ओके यस हीरो जीरो कॉल्स काफ़ी बनेंगे पोस्ट 2 PM. आपको काफ़ी तगड़े यू कैन से वोलाटाइल मूव्स देखने मिलेंगे. बट इफ़ टुमारो देर इज़ अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन हैपनिंग ओके तो उसका ऑपोजिट साइड ट्रेड लो आप. यू नो यू कैन बी प्रॉफिटेबल. जो भी ट्रेड्स ले रहे हो हेज लेना. ओके So what is our view for tomorrow? View for tomorrow is tomorrow at the time of recording this video SGX Nifty is 50 points positive. I'm assuming कि मार्केट्स अभी इसके ऊपर खुलेंगे. अगर इसके ऊपर खुलेंगे तो पहली बात तो ये गैप रीजन जो है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है. ओके तो मार्केट्स यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये जो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है यहाँ पे 17,050 ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बट माइनर रेजिस्टेंस. ओके बट क्योंकि मार्केट्स इसके ऊपर खुलेंगे तो एक काफ़ी अच्छे रेंज यू कैन से प्रीवियस डे रेंज के ऊपर खुलेंगे मार्केट और प्रीवियस डे हाइस के भी अगर ऊपर गए तो और अच्छा मोमेंटम आ सकता है मार्केट में. ओके सो व्हाट शुड बी डन टुमारो. इफ मार्केट्स आर ओपनिंग 50 पॉइंट्स गैप अप यू कैन बाय अ बुलिश ट्रेड एंड योर टारगेट शुड बी 17,100 से 120. ये जो रीजन है पूरा आप इसको अपना टारगेट रख सकते हो. ओके ना बैंक निफ्टी देख ले. बैंक निफ्टी वॉज लाइक दी क्या बोल सकते हो द मोस्ट साइडवेज इंडेक्स ऑफ ऑल टुडे. ओके बैंक निफ्टी एंड फिननिफ्टी. बट बैंक निफ्टी व्हाट इज द प्राइस एक्शन सेइंग. प्राइस एक्शन इज सेइंग दैट मैं अभी बहुत रेंज में कंसोलिडेट हो चुका हूँ. जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट. ओके हमेशा याद रखना ये. सो ये कंसोलिडेशन हो गया तो कल अगर इसके ऊपर अपन निकलते हैं, अभी कल गैप अप होएगा मार्केट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहला टारगेट 39,850 तो आ ही सकता है. जो यू नो यहाँ पे एक अच्छा मार्केट्स ने ये लेवल को रिस्पेक्ट किया था और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन आया था. तो 39,850 वुड बी माई फर्स्ट टारगेट इफ वी आर ओपनिंग टुमारो गैप अप. Okay, again I will not be chasing any fresh breakouts that happen after these levels or breakdowns that happen after these levels. Okay, I will wait for price action. मैं एक कैंडल बन गई इसके ऊपर तो मैं नहीं ट्रेड करूँगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स क्योंकि कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो स्पाइक्स जो रहते हैं आपको, ये जो बड़े बड़े विक्स जो देख रहे हैं आप, ये काफ़ी बनेंगे कल क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी. अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके सो वट इज़ आवर व्यू फॉर टुमारो. तो सपोर्ट बैंक निफ्टी का कल 39,600 रहेगा. ओके फर्स्ट रेजिस्टेंस 39,850. अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है टाइम स्पेंड करती है यहाँ पे देन यू कैन सी अ ट्रेंडिंग मूव टिल 40,100 ऑड लेवल्स इज वेल. ओके ब्रेकडाउन का सिनेरियो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से नहीं है, बट अगर ब्रेकडाउन हुआ भी मार्केट्स ने अगर सरप्राइज दिया हमको तो प्रॉपर वेट करो कि ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो. ओके ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो. अगर ब्रेकडाउन के बाद मार्केट्स आर नॉट एबल टू breach 39,300 again, then you can expect markets to go to 38,900, 950 odd levels as well. Okay, so ये व्यू कल का याद रखना. पहली बात, वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी. ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा यू कैन से कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना, ठीक है. क्वांटिटी कम रखना बिकॉज फेक आउट एंड फेक ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी हाई है कल. ऑलराइट, so that is it for the market view for today. Hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. Okay, and if you guys want to join our Telegram group where we share, the spreads that we take, which are doing quite well, you guys can check the link in the description. All right, so this is me, Manu, signing off. Take care, guys, and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.